दोस्तों, आर्यन खान के बाद एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी एनसीबी के जाल में बुरी तरह फंस चुकी हैं। पहले अचानक अनन्या के घर में छापेमारी और फिर समन की खबरों ने बॉलीवुड में तूफान ही ला दिया। बॉलीवुड में 21 अक्टूबर का दिन बेहद भारी बीता। एनसीबी भी अपने पूरे एक्शन में है। एनसीबी ने न सिर्फ अनन्या पांडे बल्कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत में पहुँच कर भी सबको चौंका दिया। चंकी पांडे की बेटी और एक आध फिल्मों में नजर आ चुकी अनन्या पांडे को एनसीबी ने बुलावा भी भेज दिया, जिसके बाद अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर में पहुंची और वहां पर बुरी तरह रो पड़ी। एनसीबी टीम के सवाल सुनते ही अनन्या पांडे के रोंगटे खड़े हो गए। पिछले 20 दिन में अनन्या ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश तो की होगी, मगर एनसीबी के हाथ में वो ही सारे सबूत देखकर अनन्या की हालत खराब हो गई। जानकारों की माने तो अगर अनन्या एनसीबी के सामने सच बोलती है तो आर्यन खान और ज्यादा फंस जाएगा, और अगर अनन्या झूठ बोलने की कोशिश करेगी तो वह खुद फंस जाएगी। तो क्या हुआ एनसीबी ऑफिस में? छापेमारी के दौरान क्या मिला अनन्या पांडे के घर से? और शाहरुख के बंगले मन्नत में क्यों अचानक पहुंच गई एनसीबी की टीम? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से कोई चाबुक मार रहा है, और कौन मार रहा है ये आप और हम समझ सकते हैं। कोई चाबी भर रहा है और पूरा का पूरा बॉलीवुड स्वाहा होता जा रहा है। बॉलीवुड इस वक्त डूबते जहाज में लटका हुआ है दोस्तों। जरा भी हिलने की कोशिश की तो तबाही आ जाएगी। ऐश और अय्याशी में पले बड़े स्टार किड्स की सच्चाई एनसीबी एक एक कर बेपर्दा कर रही है, और अब आर्यन खान के बाद अनन्या पांडे की वाट भी एनसीबी ने लगा ही दी। जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया जा रहा था, दरअसल में वो चैट आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच ही हो रही थी, और अनन्या पांडे को समन और घर पर छापेमारी इसका बड़ा सबूत है। और इसी चैट को आधार बनाते हुए एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर पर छापेमारी के लिए पहुंच गई, वो भी बिल्कुल अचानक और पूरे प्लान तरीके से। अब अनन्या पांडे के घर छापेमारी के दौरान खुद अनन्या पांडे नहीं थी। जी हाँ, खुद अनन्या पांडे घर से गायब थी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर पहुंची तो अनन्या पांडे वहां थी ही नहीं। तो अनन्या के घर से एनसीबी टीम कुछ कागजात, कई गैजेट, पेन ड्राइव, लैपटॉप और कुछ सामान बैग में डालकर ले गई और अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर में बुला लिया। अब अनन्या के घर में तूफान आ चुका था। जिसका डर था वो ही हो गया, जिसके बाद अनन्या पांडे भी सफेद कुर्ता और चश्मा लगाकर अपने पिता और चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर में पहुंची। अनन्या बुरी तरह घबराई हुई नजर आई। मीडिया वालों को देखकर जो अनन्या पांडे खूब सारी फोटोज क्लिक करवाती थी, वो अनन्या चुपचाप सीधे एनसीबी के दफ्तर के अंदर चली गई और दूसरे फ्लोर पर पहुंची। अब सूत्रों की माने तो पूछताछ के लिए अनन्या का सामना सीधे जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से हुआ, और समीर वानखेड़े के साथ वहां पर दो महिला अधिकारी भी बैठी हुई थी। अब समीर वानखेड़े के नाम से तो वैसे ही बॉलीवुड वालों की हालत खराब है, और समीर वानखेड़े को अपनी आंखों के सामने देखते ही अनन्या पांडे बुरी तरह रोने लग गई और कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर लगे आरोप गलत हैं। अब महिला अधिकारी ने सबसे पहले अनन्या पांडे के दोनों मोबाइल को जब्त कर लिया, जो कि अनन्या की जीन्स की पॉकेट से निकाले गए। क्योंकि छापेमारी के दौरान खुद अनन्या वहां पर मौजूद नहीं थी, इसीलिए अनन्या के फोन उस वक्त जब्त नहीं किए जा सके। लेकिन जैसे ही अनन्या टीम के सामने पहुंची तो सबसे पहले टीम ने अनन्या के दोनों फोन को जब्त कर लिया। इसके बाद महिला अधिकारी ने अनन्या को पानी पिलाया और शांत रहने को कहा। अनन्या पांडे के साथ चंकी पांडे भी एनसीबी दफ्तर के अंदर जाते दिखे, मगर टीम ने चंकी पांडे को बाहर ही रहने को कहा। चंकी पांडे दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर ही थे और ऊपर अनन्या अकेली ही गई। सामने आया है कि अनन्या पांडे बुरी तरह घबराई हुई थी। अनन्या के हाथ पांव डर के मारे कांप रहे थे। अब अनन्या ही क्या, पूरा बॉलीवुड आर्यन खान की हालत देख चुका है। कैसे जेल में आर्यन तड़प रहा है, तो सबको पता है कि अगर जरा भी झूठ बोला तो जो हालत आर्यन खान की हो रही है वो उनकी भी हो सकती है। लिहाजा अनन्या को पहले ही समझा दिया गया कि सभी सवालों का जवाब सच सच दें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब सामने आया कि एनसीबी की टीम ने अनन्या पांडे से कई सारे सवाल किए, और जैसे ही हमारे पास उन सवालों की लिस्ट आएगी वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो सूत्रों की माने तो अनन्या पांडे से उसी व्हाट्सएप चैट के बारे में भी सवाल किए गए जो कि आर्यन खान के साथ हुई थी, और अनन्या पांडे एनसीबी को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाई तो एनसीबी अनन्या पांडे को हिरासत में भी ले सकती है, क्योंकि उस व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बातें साफ तौर पर की जा रही हैं। साथ ही साथ जिससे खरीदी जानी है और किस किस तक भिजवाने हैं वो सब भी उस चैट में मौजूद है।
अब मुसीबत यह है कि अगर अनन्या पांडे ने सब कुछ सच बता दिया तो शाहरुख के बेटे आर्यन के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, और अगर अनन्या झूठ बोलती है तो खुद फंस जाएगी। वहीं उधर दूसरा तूफान मन्नत में भी पहुंचा। खुद शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने जेल में पहुंचे ही थे कि खबर आई कि शाहरुख के बंगले मन्नत में एनसीबी की टीम पहुंची है। अब मन्नत के बाहर एनसीबी की टीम को देखते ही सबके होश फाकता हो गए। हालांकि खबर ये है कि एनसीबी की टीम मन्नत में किसी से पूछताछ करने या फिर छापेमारी करने नहीं गई थी, बल्कि आर्यन से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने गई थी। साथ ही साथ एनसीबी की टीम ने एक लीगल नोटिस भी दिया। इस नोटिस में लिखा है कि अगर आर्यन खान के पास कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इनका परिवार उसे एनसीबी दफ्तर में जमा करवा दे। शाहरुख के घर एनसीबी के अधिकारी वीवी सिंह पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि जांच से जुड़ा हुआ कुछ पेपर वर्क रह गया था, उसी को करने वहां पर आए हैं। एनसीबी को मन्नत में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी मिली। एनसीबी ने पूजा ददलानी को केस से जुड़े हुए कुछ कागजात दिए, आर्यन का मेडिकल और दस्तावेज भी दिए। पूजा ने दस्तावेज लेने के बाद कुछ फोन कॉल्स किया और उसके बाद दस्तावेज पर साइन करके एनसीबी की टीम को दे दिए। खबर है कि एनसीबी की टीम घर के रिसेप्शन के आगे नहीं गई। एनसीबी की टीम का सामना ना तो शाहरुख से हुआ और ना ही गौरी से। तो कुल मिलाकर इस वक्त बॉलीवुड पूरी तरह से बारूद के ढेर पर पड़ा है। जरा भी चालाकी की तो ब्लास्ट होने में देर नहीं लगेगी। अब अनन्या पांडे को एनसीबी ने चश्मदीद के तौर पर बुलाया है या गवाह के तौर पर या फिर आरोपी के तौर पर, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं और इसकी तस्वीर जैसे ही साफ होगी हम आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे कि आखिर एनसीबी के सवाल क्या थे और अनन्या पांडे ने क्या जवाब दिए। फिलहाल तो खबर ये है दोस्तों कि अनन्या पांडे के बाद दो और मशहूर स्टारकिड्स एनसीबी के रडार पर हैं और हो सकता है कि जल्द ही वो भी एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देते नजर आएं। तो आपका एनसीबी के इस पूरे एक्शन पर क्या कहना है? क्या अनन्या पांडे भी गिरफ्तार हो सकती हैं या अनन्या पांडे आर्यन के खिलाफ गवाह बनकर खुद को सेव कर सकती हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, अनन्या पांडे की मुसीबतें बढ़ गई हैं। एनसीबी की टीम अचानक 21 अक्टूबर को अनन्या के घर पहुंच गई और इससे पहले कि कुछ हो पाता एनसीबी ने अनन्या का फोन जब्त कर लिया। दरअसल आर्यन के व्हाट्सएप चैट से पता चला कि उनकी अनन्या पांडे से भी ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी। एनसीबी बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। 21 अक्टूबर को अचानक एनसीबी के अधिकारी अनन्या के घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अनन्या का फोन ले लिया और फिर उन्हें समन देकर वापस लौट गए। अनन्या को पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस बुलाया गया है। आपको बता दें कि इस छापेमारी के बाद चंकी पांडे अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में बड़े बड़े वकीलों से कानूनी सलाह लेना शुरू कर दिया है। 20 अक्टूबर तक सिर्फ इतनी ही जानकारी थी कि आर्यन ड्रग्स केस में किसी उभरती हुई एक्ट्रेस का नाम सामने आया है, लेकिन एनसीबी उस एक्ट्रेस का नाम नहीं बता रही थी। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि अनन्या पांडे ही हैं। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि इस केस में अनन्या के अलावा भी कई और बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम है, लेकिन एनसीबी अभी मीडिया के सामने उनके नाम का खुलासा नहीं कर रही क्योंकि इससे केस पर बुरा असर पड़ सकता है।